भाई जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो, पहला साल है, पार्टीज भी होंगी, पिकनिक्स भी होंगी, तो इस गाइडेंस से जान नहीं छूट रही, फिर से शुरू हो गए गाइडेंस। मुझे बताएंगे जब से मैं व्लॉग में आया हूँ सब व्लॉग देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, ये मेरे पहले 300 व्यूज आते थे अब 100 आ रहे हैं लाइव लाइव में बताता हूं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द नेदर व्लॉग। यार जो है इसका पेपर रुक गया है स्टेट्स का, जो एक बहुत मुश्किल था वैसे स्टेट्स मेरे लिए। मुझे तो मेरे साथ थी, फिर भी मेरे नंबर इतने ख़राब आए थे। मैंने उनको कहा था कि भाई मुझे फेल कर दे, मैं वापस पेपर दे दूँगा। उन्होंने कहा था इम्प्रूव कर लेना, मैंने फिर दिया ही नहीं था, छोड़ दिया था। मैंने कहा ठीक है बस इतने काफ़ी हैं। कुछ कहना चाहेंगे स्टेट्स वाले के? ठीक है सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं। अभी कोची में है? डिस्प्रेशन में है सर, अभी अभी कुछ नहीं बताएंगे। नहीं कुछ नहीं बताएंगे, अभी डिस्प्रेशन में है जी। ये अभी कह रहे हैं कि अभी कुछ सवालों का जवाब नहीं दे सकते क्योंकि डिस्प्रेशन यानी कि डिप्रेशन में है। हल्के में ले लिया था ना स्टेट्स को? हाँ मैंने भी यही किया था, मैंने लास्ट नाइट पे सिर्फ पढ़ा था, उसी की वजह से मेरे 45 आए। मैंने हल्के में सबसे आगे। नहीं चीटिंग तो होती नहीं है ना स्टेट्स में, क्या चीटिंग करोगे? सही डिप्रेशन में थे हम। सब्जेक्ट है गाइडेंस और उस पर बहस हो रही है। मेहरबानी है, हम क्या चाहते हैं, हम बोलते हैं जिसके लाल गुलाबी लाल, वो क्या कहते हैं गुलाबी लाल। अरे कहना क्या चाहते हो? अच्छा उस मुताबिक अभी है ही नहीं, छोड़ दो यार, तुम बेस मत करो, ये अगली क्लास में कर लेगा टीचर से खुद। वो पूरा किया है भाई, ये बंदा अच्छा है यार, बस साथ बैठ जाता है, टीचर हमसे कोई सवाल नहीं करती, ये बस ये अपनी बातें उनसे करता है, मजा आता है, टाइम वेस्ट होता है, हमसे कुछ ना पूछो बस। इस गाइडेंस से जान नहीं छूट रही, फिर से शुरू हो गए गाइडेंस क्या है तुम बताओ, गाइडेंस क्या है तुम बताओ, गाइडेंस है क्या भाई, पढ़ाया है बस पढ़ रहे हैं, छोड़ दो यार, पेपर में लिख के आ जाएंगे जो लिखवाया। मैम ने बताया कि हाई क्वालिफाइड जो उसमें आते काउंसलर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं, वो समझाते हैं। मैंने काउंसलर कहा, बोलती वो है ही नहीं, अब हम क्या करें उसमें। भाई जो नए स्टूडेंट हैं उनके लिए ये वीडियो, पहला साल है, पार्टीज भी होंगी, पिकनिक्स भी होंगी, तो जाना ज़रूर, मिस मत करना कुछ भी, क्योंकि ये पहला साल ही होता है जिसमें आप जा सकते हैं, बाकी इसके बाद आपको मौका ही नहीं देती यूनिवर्सिटी। जाओ और नए नए दोस्त बनाओ, ये नहीं कि वहाँ पर जाके लड़कियाँ ताड़ो और लड़के ताड़ो, जाओ दोस्त बनाओ। हम नहीं गए, क्यों नहीं गए उन लोगों का यही सवाल होगा कि भाई खुद गए नहीं हमें बता। हम जब आए थे हमारे साथ करोना ने भी एडमिशन ले लिया था, उसके बाद ना हमें यूनिवर्सिटी ने मौका ही नहीं दिया निकलने का। और मैं कुछ दोस्त ऐसे मिल गए कि मैं इंट्रोवर्ट और उनको कहीं निकलना पसंद नहीं था। तुम लोग जाओ, लाजमी जाओ, निकलो, वो कहता है ना गेट आउट फ्रॉम हाउस, लाइफ लिटिल इज, जिंदगी छोटी है, गेट आउट फ्रॉम हाउस, निकले घरों से। ये शख्स कह रहा है कि नहीं मैं मेरे वजह से, कमेंट में ये बताएंगे जब से मैं व्लॉग में आया हूँ सब व्लॉग देख रहे हैं। नहीं बिल्कुल, ये मेरे पहले 300 व्यूज आते थे अब 100 आ रहे हैं लाइव लाइव में बताता हूं। भाई फेज मोमेंट को देखकर ही मैंने आपके व्लॉग देखना शुरू किया था, वो तो अलग बात है, मैं आपके साथ हूं, फैन आपका, लेकिन बिल्कुल मैं फेज मोमेंट का फैन हूं, मैं आज से मिलने आया हूं, ठीक है, फोटो फोटो खींचे हमारी, थैंक यू, फोटो खींचे, फोटो खींचे, वीडियो रिकॉर्ड हो गई, फोटो थैंक यू सर। बड़ा हरामी हो बेटा, कितने मतलबी लोग हैं ये, मैं बोल रहा हूँ चलना है वहाँ पे जीवन फॉर्म उठाना है और ये इसको बोल रहे मैं नहीं चल रहा, मेरी पिक निकालो मैं जा रहा हूँ, मैं कोई पर्सनल फोटोग्राफर लगा हुआ हूँ तुम लोगों का, एक तो ऐसे रहे हो कंट्रोल कंट्रोल, एक तो ऐसे रहे हो जहाँ देखो मतलब पिक्चर ले लो, या क्या मैं इसको ड्रॉप कर रहा था, आना है आओ, मैं जा रहा हूँ जीवन फॉर्म लेना है मुझे, एक हफ्ता नहीं लेनी बस, एक हफ्ता हो गया है, वो सब मुझे देना भी है ऑफिस में, फिर मसला ना हो जाए कुछ, कोई नहीं मसला हो, कल ले जाए, चला जा, कहाँ आ जा, ये सामने डिपार्टमेंट ने टीचर्स एजुकेशन का, मेरी लेट जा रहा हूँ, घर वाले भी पूछते हैं क्या सीन है तेरा। यार मुझे समझ नहीं आता ये लड़कियाँ इतनी टाइट पैंट्स कैसे पहन लेती हैं, मैं लड़का हूँ, ये जो मैंने पहनी हुई है ये मैं 3-4 घंटे सिर्फ पहनता हूँ, घर जाके उतार देता हूँ, ट्राउजर पहन लेता हूँ, फिर भी रात को मुझे नींद नहीं आती ठीक से, पेन हो रहा होता है, ये इतनी टाइट्स कैसे पहन लेती हैं लड़कियाँ। चलते हैं फिर, जीवन फॉर्म लेना है, मैंने हफ्ता हो गया पूरा, वहाँ से डीन ऑफिस से सिग्नेचर होना था, अभी तक नहीं हुआ, और ये रोज़ वो भी टोपी करा रहे थे और आज ये भी टोपी करा रहा है, तो ये लोग जा रहे हैं घर और मैं जाऊंगा टीचर्स एजुकेशन, वहाँ से अपना जीवन फॉर्म लूँगा, फिर जाऊँगा पेट्रोल पम्प पे, फिर वहाँ से घर, मिलते हैं कल। हाँ वी एस क्या क्या करेंगे, वी एस क्या खिलाएगा,
क्या क्या खिलाएगा खिलाने क्या खिलाएगा बंदा बता दो सही। वीएस का तो तूने बोला मैं क्या खिलाएगा मैं अभी 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 चलूंगा बता नहीं मैं घर जा रहा हूँ मुझे घर जाना है बोलो मुझे घर जाना आओ तुम्हें ड्रॉप ठीक है मिलते हैं अगले व्लॉग में अल्लाह हाफिज़ दुआ में याद रखिए। अच्छा यार लोग पूछते हैं कि आपका सोर्स ऑफ इनकम क्या है तो मेनली यूट्यूब मेरा सोर्स ऑफ इनकम नहीं है मैं ट्रेडिंग करता हूँ चूँकि मैं खुद नहीं करता मैं किसी को बस कोई है बंदा जो मुझे सिग्नल देता है फिर मैं उस पर ट्रेड कर रहा होता हूँ। अगर तुम लोगों को वो करना हो ट्रेडिंग करनी हो या कुछ पता हो तो सिग्नल वगैरह क्या होते हैं या सीखनी भी हो तो मैं नंबर दे देता हूँ ऊपर डिस्क्रिप्शन में फेसबुक की और यूट्यूब की नीचे वाली डिस्क्रिप्शन में जाओ कॉन्टेक्ट करो अगर तुम्हें पता भी है और करना भी है तो कॉन्टेक्ट करना वरना बंदे को तंग मत करना ठीक है।